1843 में आज ही के दिन मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले अण्णा साहब किर्लोस्कर का बेलगांव जिले में जन्म हुआ था। उन्होंने नाटकों के कला पक्ष को समृद्ध किया और मराठी रंगमंच की आधुनिक तकनीक आरंभ की। लोकमान तिलक के शब्दों में उन्होंने अपने नाटकों के द्वारा भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार किया था। उनका लिखा हुआ श्री शंकराचार्य दिग्विजय पहला संगीत नाटक था। बाद में उन्होंने राजपुताना इतिहास पर नाटक लिखा और कालिदास की अमर रचना के आधार पर संगीत शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की। 1929 को पहली बार मिकी माउस का बोलता हुआ कार्टून कार्निवाल किट रिलीज किया गया। यह चरित्र खूब मशहूर हुआ। इस चूहे को वॉल्टियर डिज्नी और आई वर्क्स ने मिलकर डिजाइन किया था। वियाने आल्विने ने 30 से ज्यादा साल तक इस कार्टून को आवाज दी। उनकी पत्नी रूसी टेलर ने मिनी माउस के लिए अपनी आवाज दी थी। आल्विने से पहले वॉल्ट डिज्नी ने खुद भी अपनी आवाज इस चरित्र के लिए दी थी। 1988 में आज ही के दिन तंबाकू और धूम्रपान के दुष्परिणामों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने इसके लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम कर लोगों को तंबाकू से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। और आज के दिन 1988 में भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और साहित्यकार द्वारका प्रसाद मिश्र का निधन हुआ था। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े रहे। राष्ट्रवादी आंदोलनों में उन्होंने सक्रियता से अपना योगदान किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेदों की वजह से उन्हें 13 वर्षों तक राजनीतिक वनवास भोगना पड़ा।